बिहार के लखीसराय शूटआउट और पेचीदा होता जा रहा है। पुलिस जहां इसे प्यार शादी और बेवफाई बता रही है, वहीं पीड़ित जमीन विवाद में अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम देने का आरोप लगा रहे हैं। इस घटना में 6 लोग घायल हैं और जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनका शव लेकर परिजन थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि छठ पूजा से लौटने के क्रम में एक संघ की पड़ोसी आशीष चौधरी ने एक ही परिवार के 6 लोगों को अंधाधुंध गोली मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस गोलीबारी में दुर्गा झा नाम की वो लड़की भी घायल है, जिसके बारे में लखीसराय SP पंकज कुमार का कहना है कि आशीष चौधरी ने इसके साथ 5 साल पहले शादी की थी। साथ ही आशीष चौधरी थोड़ा सनक मिजाजी था। ये गोली चलाई है आशीष चौधरी ने, उसकी शादी दुर्गा नाम के लड़की से 5 साल पहले हुई है। उसके फोटोग्राफ्स हैं। ये जो घटना हुई है, इस संबंध में आशीष चौधरी ने 15 पन्ने में एक डिटेल लिखा है जो पुलिस को ने बरामद किया है। उसको पढ़ने से यह स्पष्ट है कि आशीष चौधरी और दुर्गा एक दूसरे से प्रेम करते थे, इन्होंने शादी की थी, दोनों का घर आमने सामने है। शादी करने के बाद ये लोग दोनों पटना में रहने लगे। पटना में इसलिए भी रहने लगे कि लड़की के माता पिता ने इसको मान्यता नहीं दी थी। लखीसराय के SP पंकज कुमार ने दस्तावेज और दुर्गा झा और आशीष चौधरी की तस्वीरें भी साक्ष्य के रूप में हमें दिखलाए। इस घटना को अंजाम देने के पहले 15 पन्नों का एक पत्र भी लिखा, जिसमें पूरी कहानी दर्ज है। इस घटना में प्रयुक्त हथियार को पुलिस ने बरामद किया है। 2 उसके सहयोगियों को लोगों ने से जो हम लोग को जानकारी मिली उसे पूछताछ के लिए रोका हुआ है। कुछ तकनीकी अनुसंधान सामने आए हैं जिसके आधार पर इस घटना में कुछ लोगों ने लाइनर का काम किया है, उसे भी रोका हुआ है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। आरोपी आशीष चौधरी और दुर्गा झा का मकान आमने सामने है। हालांकि यहां पर दुर्गा झा की मां ने हमें बताया कि ये पूरी कहानी मनगढ़ंत है और पुलिस ने अपने बचाव में ये तैयार किया है। तीन नहीं दिलिए दोनों भाई में तीनों में बंटवारा खेल के वो बेच के कुत्ता चल गए। गाहक पर गाहक भेजे, गाहक पर गाहक भेजे। हम कहिए हम तरह बेचिए ले लिए हैं, ये तो वो परिवार ही है, हमें तरह बेचिए के हमारा की नून तेल कमब रही जे हम बेचबे। मार्ग रोज गाहक भेजे, रोज गाहक भेजे, अपने तो दम हले नहीं आ। आप दुर्गा झा की माँ हैं? माँ हैं हम। अच्छा, पुलिस के जो SP हैं वो कह रहे हैं उनको पत्र मिला है, ये दोनों पटना में शादी करके रहते थे। झूठा बात है। अब जबरदस्ती हमरा अगर पकड़ के ले जाइएगा तो हम क्या करेंगे? हैं क्या करेंगे? इसको बहन ले जा करके आ फोटो बनातरी बना बना करके कुल के मोबाइल पर कुल के वायरस किया। पुलिस जो कहानी कह रही है वो सच्चाई नहीं? नहीं, झूठा है, मिलल है पुलिस, पुलिस मिलल है। दोनों शव को लेकर अभी भी परिजन थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। थाने के सामने पूरा परिवार, पूरे जो नाते रिश्तेदार जो शुभचिंतक हैं वो थाने के सामने धरने पर बैठे हैं कि गिरफ्तारी हो, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जिसने इस परिवार को इतना बड़ा दारुण दुख दिया है, दुखों का पहाड़, जिसने गोलियां बरसा करके 6-6 लोगों को गोलियां मारी हैं। वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन जो यहाँ है वो चारों तरफ घर के सामने मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और थाने के बाहर करुण क्रंदन है, रुदन है, चित्कार है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9।